बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले इस डोल के बारे में बात करेंगे। ये जो डोल शायद आप लोगों को बहुत पसंद आया, इसलिए काफी कमेंट आते हैं कि ये डोल मैंने कहाँ से खरीदा है। कई लोग कहते हैं ये कान्हा जी मैंने कहाँ से खरीदे हैं। तो ये कान्हा जी जो है हमारे आराम से किसी भी जो खिलौने की दुकान होती है जहाँ से आप बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हैं वहाँ से आपको मिल जाएगी, या कोई डोल की स्पेशल दुकान हो वहाँ से आपको मिल जाएगी। ये मेरे पास बहुत पुरानी है, तो इसी के नाप से जो मैं 5 से 6 नंबर कान्हा जी की ड्रेसेस बनाती हूँ, तो इसको नाप लेना बहुत आसान है। जैसे इनका जो सर का नाप है, इनकी कैप जो है 5 से 6 नंबर कान्हा जी को बिल्कुल सही आती है, ड्रेसेस चोली वगैरह, तो इसलिए मैं इनका नाप लेना आपको सिखाती हूँ। और एक आपको पता चल जाता है कि मैं नाप कैसे लेती हूँ, क्योंकि बार बार हम कान्हा जी को तो तंग कर नहीं सकते, इसलिए हमने इस डॉल को लिया है। आप इस डॉल को जो कान्हा जी का रूप देखे, बिल्कुल ही कान्हा जी ही लगते हैं, क्योंकि भगवान का कोई रूप नहीं होता। आप जिसमें जिस रूप में आप देखेंगे उसी में आपको कान्हा जी नज़र आ जाएंगे। अगर आपको इस डोल में कान्हा जी नज़र आते हैं तो इसको ऐसी डोल को आप कान्हा जी का रूप दे के जो है बिल्कुल तैयार करके कान्हा जी की तरह इनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस डोल को के बारे में तो बात हो गई, अब हम इसकी ड्रेस के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि हम नाइट सूट बनाने वाले हैं। नेपी हम इसी तरीके से बनाएंगे, ये नेपी मैं पहले सिखा चुकी हूँ। इसके साथ में हम जबला स्टाइल छोटा सा एक जबला बनाएंगे जो बहुत ही आसान होएगा। उसके साथ का हम मैचिंग कैप बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे कॉटन का कपड़ा, बिल्कुल सॉफ्ट और बनाना भी बहुत आसान। उसके लिए हम ये लेस वगैरह कॉटन की लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने कान्हा जी का जो भी सर की गोलाई इस तरीके से इंच टेप से ऐसे हमने ले लेनी है। ये देखिए, जैसे हमने ये ली है, ये हमारी जो है 5.5 के करीब हमारी आई है। तो ये 5.5 इंच हमारी गोलाई है, लंबी ऊंची जितनी आपको कैप बनानी है। तो हम यहाँ से बिल्कुल सेंटर से ऐसे नाप लेके जितना हमने लेना है, यानी कि 1.5 इंच के करीब हमारा जो है बिल्कुल कैप सही है। तो हम इसको 2 इंच के करीब ले लेंगे कपड़े को, क्योंकि इसमें सिलाई में भी हमारा दबेगा। तो हम जो है 6.25 इंच, क्योंकि 5.5 हमें तैयार चाहिए, 6.25 इंच लंबा कपड़ा और 2 इंच इस तरीके से चौड़ा, यानी कि एक पट्टी लेके कटिंग करके रख लेंगे। तो ये हो गया हमारा ऊपर का नेपी, हम पहले बना चुके हैं। और अब लेंगे हम नीचे का जबले का नाप। तो बैक साइड से आपको ये देखिए इस तरीके से ऊपर से लेके जितना आपको, यानी कि ऐसे, यानी कि 3 इंच के करीब हम जो है जबले की लंबाई लेंगे। और चौड़ा आप कितना भी ज़्यादा हैवी बनाना चाहते हो ले सकते हो। तो ये हम जो 5 इंच के करीब जो है घेरा बनाएंगे, यानी कि 10 इंच लंबा और 3 इंच ऐसे चौड़ा। तो उसमें सिलाई लेंगे एक्स्ट्रा, तो हम 3.5 इंच ले लेते हैं, 3.5 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा एक कपड़ा ले लेते हैं। तो 2 पीसेस हम इस तरीके से काट लेते हैं पहले। तो ये देखिए, हमने इस तरीके का जो है ये बिल्कुल चिल्ड्रन प्रिंट ही बोलते हैं इसको, छोटे छोटे आप देखिए हमारा डिज़ाइन है। आप प्लेन में भी बना सकते हैं और प्रिंटेड वे में, जैसे भी आपको अच्छा लगे कपड़ा आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। तो ये देखिए, हमने 1 पीस ये ले लिया है, इसका हम ये देखिए 3.5 इंच जो है इसका चौड़ा लिया है, और ये फोल्ड है हमारा। अभी हम इसको बीच में से कटिंग कर लेंगे। एक लंबा पीस हमने ले लिया है, ये हमारा 10 इंच के करीब है। तो ये हमारा जबले के लिए, ये देखिए थोड़ा ज़्यादा ही है, इसको हम 10 इंच या पूरा भी रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा नीचे से जो है घेरा थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, जब भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी सिलाई आनी है। तो इसलिए हमने 10.5 के करीब रख लिया। 1 पीस हमने ये ले लिया, इनको हम इस तरीके से ऐसे बीच में से जो है ये फोल्ड हम काट देंगे। उससे पहले हम नीचे की तरफ जो है ये अपनी लेस है ऐसे लगा लेंगे, यहाँ पर रखकर हम ऐसे एक लेस लगा लेंगे, और बीच में से हम जो है दोनों पीसेस को आधा आधा कर देंगे। और ऐसे ही हमारा कैप का है, 2 इंच हमने जो है इस तरीके से लिया है, यहाँ से हम थोड़ा फोल्ड कर देंगे ऐसे, और यहाँ पर भी हम एक लंबी लेस लगा लेंगे, और इसकी लंबाई जो है 6.5 इंच है। हमें जो है ये 6.25 इंच हम तैयार करेंगे, 5.5 हमारी जो है सर की गोलाई थी, तो थोड़ा हम लूज बनाएंगे, तो 6.25 हम तैयार करेंगे। तो ये हमने 6.5 लिया है, यहाँ पर हम सिलाई करेंगे नहीं, दोनों तरफ हमारा जो सिलाई आएगा उसमें भी हमारा कपड़ा लगेगा। तो ये हमने 6.5 इंच जो है इस तरीके से ले लिया है।
और ये 2 इंच इस तरीके से ले लिया है। तो दोनों में हम नीचे की तरफ लेस लगा के तैयार कर लेते हैं, यानी कि ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए दोनों तरफ हमने इस तरीके से लेस लगा ली है। सबसे पहले हम कैप बनाते हैं इसको। हम इस तरीके से पीस को लेस लगाने के बाद हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए 5-5 इंच के 2 हमारे पास पीसीज हैं, ये हमारे जबले के हैं, इनको अभी हम साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम कैप बना लेते हैं। कैप बनाने के लिए हमने जो है लेस लगा लिया। अब यहाँ से हम जो है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। चाहे तो आप इसको डबल कपड़े में भी बना सकते हैं, मैं सिंगल में ही बना रही हूँ। तो ये देखिए हम इस तरीके से सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ से ऐसे सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब हम इसको पीछे की तरफ रखेंगे सिलाई को, बैक साइड में। तो ये हम इस तरीके से, ये देखिए ये हमने ऐसे सिलाई लगाई थी। अब हम इसको इस तरीके से सेंटर में रख के यहाँ से ये देखिए ऐसे हम सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा फ्रंट साइड हो जाएगा, हमारा बैक साइड में हमारी सिलाई चली जाएगी। तो इसको आप इस तरीके से जो है खोल के यहाँ से ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ये जो सिलाई वाला कपड़ा हम ऐसे हमने इसको बीच में से खोल दिया है और यहाँ से हम ये देखिए हमने इस तरीके से सिलाई लगा दी है। तो ये हमारी सिंपल कैप बनके तैयार हो गई है, देखिए। लेकिन इसमें साइड में ऐसे कोने निकलेंगे, इन कोनों को हमें ना निकलें इसलिए हम इसको फिर से इस तरीके से वापस लेंगे और ये ऐसे कोना हमने पकड़ना है, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ से ऐसे 1/2 इंच की दूरी पर और ये दोनों कोने ऐसे पकड़कर हमने एक सिलाई यहाँ पर, एक सिलाई यहाँ पर हमने लगा देनी है। देखिए इस तरीके से कोना पकड़ा, यहाँ से ऐसे सिलाई और फिर ये वाला कोना हम ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से एक सिलाई हम लगा देंगे। इससे हमारी जो कैप गोलाई ले लेगी। ये देखिए हमने इस तरीके से यहाँ से सिलाई लगा दी। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा आप चाहे तो कटिंग कर सकते हैं, चाहे इसको आप अंदर की तरफ ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब ये देखिए हमारे ऐसे कोने हो गए, ये हमने इस तरीके से पलटेंगे। तो ये देखिए यहाँ से अब हमारी इस तरीके से कैप की जो है गोलाई हो गई है, देखिए इस तरीके। तो ये हमारी कैप बन के तैयार है। तो ये बिल्कुल सिंपल गर्मियों की कैप हमने बनाई है नाइट सूट के साथ में। ये देखिए हमारा ये पीछे की तरफ हम सिलाई करेंगे और ये बिल्कुल इस तरीके से, ये देखिए कितने अच्छे से ये आ गई है। ये देखिए कितनी अच्छे से ये गोलाई आ गई है। तो ये हमारी कैप बन गई है, ये देखिए। अब नीचे का हम टॉप बना लेते हैं। अभी देखिए 2 पीसेस हमने इस तरीके से ये कटिंग कर लिए। पहले हमने एक साथ लेस लगाई, अब अलग अलग कर लिया। अब हमें यहां से इसको सिलना है, यहाँ से सिलाई लगानी है आधे, यानी कि इसका हाफ में हमने सिलाई लगानी है। आधा हमने खुला छोड़ देना, आधे में सिलाई लगानी है। यहाँ से भी हमने आधे में सिलाई लगानी है क्योंकि हमारे 3.5 इंच का करीब हम बना रहे हैं। तो यहाँ से हम आधे आधे में सिलाई लगाएंगे, बस आधा ऊपर से हमारा जो है कंधे जो है बाजू वाला साइड छोड़ देंगे खुला और यहाँ से हमने सिलाई लगानी है। तो दोनों तरफ हम नीचे की तरफ से इस तरीके से सिलाई लगा देते हैं। ये हमारा ऊपर की साइड है। तो ये देखिए हमने यहाँ सिलाई लगा दी है और यहाँ पर भी। अब ये देखिए ऊपर का हिस्सा हमारा खुला है। तो देखिए अभी हमने बिल्कुल कुछ ऐसा मुश्किल काम नहीं किया है, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा ये बाजू है हमारी, तो यहाँ पर हम इस तरीके से जो है इसको यहाँ से सिलाई लगानी है हमने। और ये जो फोल्ड है यानी कि जो सिलाई की है, इसी फोल्ड को हमने यहाँ की तरफ फोल्ड करना है, ये देखिए ऐसे और ये ऐसे। तो ये हमारी
यहाँ से बाजू की फिनिशिंग हो जाएगी। तो एक सिलाई हमने इस तरीके से लगाकर ऐसे इधर आके फिर इधर की तरफ ले जाना है। तो दोनों तरफ हमने इसी तरीके से सिलाई कर लेनी है। तो ये हमारी बाजू वाली साइड बन जाएगी। तो पहले हम इसे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने जितना सिलाई लगाया था सिर्फ उतना ही हम अंदर की तरफ जो है मोड़ रहे हैं, क्योंकि छोटे कपड़ों में जो है फिनिशिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये बहुत आसान तरीका है। ये देखिए यहाँ से हम सिलाई करेंगे। और जहां तक सिलाई है वहां पर हम लात आगे करके सुई को ऐसे रोक देंगे और फिर पीछे से ऐसे उठाकर दूसरी तरफ इस तरीके से ले आएंगे, फोल्ड करेंगे ऐसे और फिर इधर की भी हम जो है ऐसे सिलाई एक कपड़ा मोड़कर इधर की तरफ सिलाई लगा। तो देखिए अब आपको दिखाई देगा यहाँ से मैंने फोल्ड किया, यहाँ से सिलाई लगाई फिर यहाँ से ऐसे मुड़ गई यहाँ से। तो ये देखिए आराम से कितने अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। तो ये हमारी बाजू वाली साइड है। ऐसे हम दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए अब हम इसको इस तरीके से पलट देते हैं, ये हमारी सीधी साइड आ गई। तो ये हमारा झबला जो है इस तरीके से नीचे की तरफ से ऐसे पहनाया जाएगा, यानी कि ऐसे पहनाएंगे हम। तो ये हमारे नीचे की साइड है, ये हमारी बाजू है। यहाँ से हम बारीक बारीक चुन्नटे इस तरीके से डाल के जितना हमारा यानी कि नेक है, यानी कि ये नेक की जो चौड़ाई है इतना हम जो है चुन्नटे डाल लेंगे दोनों तरफ। और यहाँ पर हम एक डोरी जो है लगाएंगे जो कंधे पे बस बंधेगी। तो सिंपल सा हमारा जो है झबला बन के तैयार हो जाएगा। तो हमेशा जो मैं सुई से जो डायरेक्ट इस तरीके से चुन्नट डालती हूँ वाली चुन्नटें आप डाल सकते हैं, या इसको आप फोल्ड करके अंदर से भी डोरी लगा सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ से इस तरीके से आगे की तरफ ऐसे धकेलना है कपड़े को, तो इससे बहुत बारीक बारीक जो है चुन्नटें आती हैं। या आप कच्चा करके भी जो है यहाँ पर चुन्नटें डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो दोनों तरफ से हमने इस तरीके से चुन्नटें लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने ऐसे चुन्नटें लगा लिए। तो ये आप इस तरीके से या तो नाप ले लीजिए कान्हा जी का, यहाँ से जो है चौड़ाई इतनी आपकी आनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर ऐसे फिनिशिंग हो जानी चाहिए। तो ये अगर हम इंच टेप से नापते हैं ये देखिए इस तरीके से हमने इंच टेप से चुन्नटे नापी है, तो 1.5 इंच के करीब है। इसको आप 1 या 1.5 इंच के करीब ही जो है बिल्कुल सही रहता है। जैसे अभी हमारा इसमें नेक थोड़ा सा चौड़ा है, कान्हा जी का थोड़ा सा 1.25 इंच के करीब भी आप इसको रख सकते हो। तो आप ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप इस तरीके से यहाँ से कंधे नाप लेते हैं कि यहाँ पर हमारी डोरियाँ लगेंगी। तो इस तरीके से यानी कि 1.25 इंच के करीब जो है हमें चुन्नटें तैयार करनी है। तो दोनों तरफ हम इस तरीके से चुन्नटें तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने ऐसे चुन्नटें डाल दी। अब हम एक पतली डोरी के लिए कपड़ा ऐसे काट लेंगे। हमने सिर्फ बहुत बारीक काटा है, इसका हम सेंटर ऐसे कर लेंगे जितने हमें बांधने के लिए चाहिए, ये सेंटर है हमारा। और इसको हम सबसे पहले यहाँ पर सेंटर का ऐसे सेंटर रख के यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे, यानी कि चुन्नटें हमारी इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके से इसको फोल्ड करके दोनों तरफ इधर से डोरी और इधर से डोरी ऐसे पीछे की तरफ लगा लेंगे और हमारा जो है झबला बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमने ऐसे रख लिया कपड़ा। अभी पहले हम बिल्कुल ऐसे सेंटर रख के इनको आपस में जोड़ लेंगे। चाहे तो आप पहले सुई धागे से कच्चा करके अच्छे से फिनिश कर लीजिए, अगर आपको डायरेक्ट जो है ये देखिए ऐसे हमने इसको तो देखिए हमने ऐसे सिलाई कर ली है। ये देखिए अब यहाँ से हमने इस तरीके से इसको फिनिशिंग करना है। तो इसको हमने यहाँ से थोड़ा छोड़ दिया, कपड़ा यहाँ से छोड़ दिया, जितनी हमें डोरी होगी उतनी हम रख लेंगे, बाकी हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से अब हम सिलाई करते इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहाँ से ऐसे एक डोरी बनाते हुए यहाँ पर हम किनारे की बखिया लगाते हुए यहाँ पर जब हम आएंगे
इसी तरीके से, और यहाँ पर हम इसको ऐसे सिलाई करके जो है फिनिशिंग करते हुए आगे की तरफ से ले जाएंगे। तो ऐसे हमारी जो डोरी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए ऐसे हमने फोल्ड कर दिया और ये सिलाई लगाने शुरू की है। अब यहाँ हम जो नटे हैं जहाँ वहाँ पर हम इसी तरीके से इसको दबाते हुए, ये देखिए अंदर की तरफ ऐसे रखना है और ये कपड़ा अंदर की तरफ मोड़कर इस तरीके से किनारे की बखिया लगानी है। चाहे तो आप सिल्क का रिबन लगा सकते हैं। ये देखिए ऐसे कर रहा और यहाँ से ऐसे मोड़ा और इसको भी हम आगे की डोरी को इसी तरीके से तैयार कर देंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से ये जो हमारी चुन्नट वाली ये जो कच्चा, आप इसको बाद में उधेड़ सकते हैं जिससे नजर नहीं आए। तो ये देखिए ऐसे हमारी नेक बनके तैयार हो गया। ऐसे हम पीछे वाले हिस्से को भी तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा जबला जो है बनके तैयार है। तो ये देखिए कैप हमारे कितनी अच्छी बनी है और इसी तरीके का हमने मैचिंग जो है नेपी भी बना लिया। अब हम बनाएंगे जबला। तो देखिए बिल्कुल हमने सिंपल बनाया। तो इसको हम ये पूरा खुला है हमारा पहनाना, हम इसको नीचे से इस तरीके से भी पहना सकते हैं। ये देखिए इसको ऊपर की तरफ ले आएंगे हम, ये देखिए ऐसे, और यहाँ पर हम ये देखिए बैक साइड आ गई हमारी और ये हमारी फ्रंट। यहाँ पर हम कंधे के यहाँ पर जो है इन डोरियों को आपस में बांध देंगे। देखिए कितनी सुंदर हमारी ड्रेस बन के तैयार हुई है। यहाँ से हम इस तरीके से देखिए कंधे पर ऐसे हमारी डोरी आएगी। तो ये देखिए हमारा जबला स्टाइल नाइट सूट है। ये देखिए अब कितना सुंदर लग रहा है डोल के पीछे से। ये देखिए नीचे से हमारी नेपी भी बिल्कुल हमने मैचिंग बनाई है, पूरा सेट बनाया है। तो आप इस तरीके से, जरूरी नहीं आप कान्हा जी के लिए, आप किसी भी न्यू बॉर्न के लिए भी आप इस तरीके की जो है ड्रेस बनाकर पहना सकते हैं, क्योंकि कंधे पे डोरी आएगी, कहीं से जो बेबी को चुभेगा नहीं, ना इसमें हमने कोई बटन लगाए हैं, बिल्कुल सिंपल। तो आप इस तरीके से जो है अपने कान्हा जी के लिए नाइट सूट बना सकते हैं और इसको हम दिन में भी पहना सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप अच्छे अच्छे कलर से, अच्छे अच्छे दो दो रंग से, तीन तीन रंग से, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे लेसेज लगा के आप जो है इस ड्रेस को बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ड्रेस पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।